नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हमने पीवाईक्यू जो सीरीज है 2018-19 की, उसको स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो 2018-19 के पीवाईक्यू सीरीज में करवाए गए थे, यानी कि जो 2018-19 में आपका जो क्वेश्चन पेपर लिया गया था कांस्टेबल का आरपीएफ आरआरबी के द्वारा, उस कंप्लीट 17 शिफ्ट में वो क्वेश्चन पेपर लिया गया था आपका, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज को, पीवाईक्यू की जो सीरीज है, इसको कंप्लीट आप देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा लग सके किस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो 10वीं लेवल का जो है वो रहता है यहाँ पे क्वेश्चन का, और इससे आपको ये भी एनालाइज हो पाएगा कि जो 2024 है उसमें आपको आपने कितनी तैयारी कर ली है और कितनी तैयारी और आपकी बाकी है, जिससे जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो निकल सके। क्योंकि जीके जीएस के 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जीके जीएस का जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप पीवाईक्यू सीरीज़ देखेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल आपको मिलने वाला है 2024 के अंदर आरपीएफ के अंदर। तो अगर आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहते हैं, पूरी जो 17 शिफ्ट्स हैं उनकी कंप्लीट हमने वीडियो सीरीज बनाई है, तो उनके जितने भी पीडीएफ हैं वो बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पे दी जाएगी। बस उसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना है, उसी पर ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। तो आज हम जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो आरपीएफ कांस्टेबल पीवाईक्यू सीरीज का 5वां भाग है। इससे पहले 4 भाग आ चुके हैं, तो अगर आपने उन 4 पार्ट्स को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी उन 4 पार्ट्स को देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो सेशन है उसको शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, पार्ट नंबर 5 है और आरपीएफ आरआरबी कांस्टेबल पीवाईक्यू सीरीज 2018-19, और ये टोटल 17 शिफ्टों में जो है वो कंडक्ट करवाया गया था एग्ज़ाम। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो भारत की आकस्मिक जो निधि है वो किस अनुच्छेद के अंदर आती है, तो क्या अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आती है, या फिर अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 267। भारत की जो आकस्मिक निधि है वो अनुच्छेद 267 के अंडर आती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है। तो नाइजर और जिम्बाब्वे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, आप इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे देखिएगा, नाइजर और जो जिम्बाब्वे देश है यह कौन से द्वीप के अंदर आते हैं। तो कौन से द्वीप के अंदर आते हैं, क्या उत्तरी अमेरिका के अंदर आते हैं, ये यूरोप के अंदर आते हैं, एशिया के अंदर आते हैं, या फिर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नाइजर और जो जिम्बाब्वे देश है ये किस महाद्वीप के अंदर आते हैं, तो ये किसके अंदर आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश है। तो राज्य मानवाधिकार जो आयोग है उनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश होते हैं, या फिर उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब जो उच्च न्यायालय के रिटायर हो जाते हैं मुख्य न्यायाधीश, उन्हीं को राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था। जो मौर्य राजवंश था जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शुरू किया गया था, इसका अंतिम राजा पूछा गया है। तो अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो क्या कुणाल था, दशरथ था, पुष्यमित्र था, या फिर बृहद्रथ था। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये बृहद्रथ था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक। क्वेश्चन नंबर फोर का हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है। तो कौन सा इनमें से एक नदी बंदरगाह है, क्या एनोर है, चेन्नई है, कोलकाता है, या फिर हल्दिया है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार आप छोड़ दीजिएगा,
कोई बात नहीं, एक बार छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, गलत बताने से अच्छा है कि उस क्वेश्चन को करवाया ही ना जाए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है, तो किस राज्य में खनन चित्रकला जो है वो प्रचलित है यानी फेमस है, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या फिर बिहार के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा बिहार। तो खनन जो चित्रकला है ये बिहार राज्य में फेमस है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनियों को क्या कहा जाता है, तो कई आवृत्तियों के जो मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि होती है उसको क्या कहा जाता है, क्या आवाज़ कहा जाता है, गुलाबी ग्रहण कहा जाता है, प्रारूप कहा जाता है या फिर सफ़ेद वक्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये कहा जाता है आवाज़, कई आवृत्तियाँ होती है जो फ्रीक्वेंसी होती है उनके मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज़ कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है, तो किस महासागर की, कौन सा महासागर है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो क्या अंटार्कटिक महासागर है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है या फिर अटलांटिक महासागर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा जिसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 2011 की जनगणना और ये अभी जो पेपर होने वाले हैं रिसेंटली या फिर अभी आगे भी होंगे आरआरबी के 2024 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें भी 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल 2011 के बाद अभी कोई जनगणना हुई ही नहीं, इस हिसाब से 2011 की जनगणना से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, क्या 31.16% है, 10% है, 65% है या फिर 50.1% है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा 31.16% जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है, 31.16%। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, और इसमें कहा गया कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक है जो न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर कार्मिक मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है, तो ये क्वेश्चन भी आप छोड़ दीजिएगा एक बार, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें कहा गया वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखती है, जो आप योग करते हैं उसके अंदर एक वृक्षासन योग होता है उसके अंदर कैसी स्थिति दिखती है, तो क्या मेंढक जैसी स्थिति दिखती है, पेड़, सिंह या फिर कबूतर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो जो वृक्षासन योग है इसके अंदर पेड़ जैसी आकृति दिखती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया दुलु कुनिधा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, जो दुलु कुनिधा है ये एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है और ये किस राज्य की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, क्या महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की या फिर पश्चिम बंगाल की। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा कर्नाटक की। तो जो दुली कुनिधा है ये कर्नाटक राज्य की एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो कब इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, 1991, 1995, 1956 या फिर 1993। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो 1993 में की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को,
महात्मा गांधी को, पीसी महालनोबिस को या फिर जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएंगे पीसी महालनोबिस। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार जो थे वो थे पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है। बहुत कम विक्रेता है लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है। अल्पसंख्यक प्रभुत्व, ग्राहक एकाधिकार, एकाधिकार या फिर विज्ञापन। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्पसंख्यक प्रभुत्व। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, वो किस माध्यम से जो है वो खाद्यान्न है जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो खरीदती है। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदती है, राष्ट्रीय कृषि बाजार के नियम से खरीदती है, कृषि मंत्रालय के माध्यम से खरीदती है, फिर सही भाई की दुकान से खरीदती है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये किसके माध्यम से खरीदती है, भारतीय खाद्य निगम के अंडर खरीदती है, यानी कि फूड ऑर्गेनाइजेशन से ये खरीदती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी। 2010 में, 1995 में, 2000 में या फिर 2005 में। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना थी वो सन 2005 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। जो सिकंदर थे, महान सिकंदर थे, इन्होंने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, ईसा पूर्व 326, ईसा पूर्व 556, ईसा पूर्व 312 या फिर ईसा पूर्व 318 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ईसा पूर्व 326 में महान सिकंदर ने जो है वो भारत पर आक्रमण किया था, जिसको रोका था पोरस ने। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो किस बल के बिना, ये पूछा गया, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोर्ट से पैसा निकाल सकती है। तो सामान्य बिल के बिना भारत सरकार के सामूहिक कोर्ट से पैसा निकाल सकती है, विनियोग विधेयक के, मनी बिल से या फिर वित्तीय विधेयक से। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा विनियोग विधेयक के बिल के बिना भारत सरकार के सामूहिक कोर्ट से पैसा निकाल सकती है। तो ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हों वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है, और जितनी भी PDF हैं इसकी PYQ सीरीज की, RPF कॉन्स्टेबल की, सारी बिल्कुल फ्री वहीं पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।